अस्सलाम वालेकुम। बैठिए बैठिए, ऐसे हो क्यों? अब जबकि हम लोग एक साथ बैठे हैं तो खानदानी लोगों का यही वतीरा होता है कि अगर आपस में कोई बदमजगी हो जाए तो मिल बैठ के उसको तय कर लिया जाए। अब देखिए, शादी ब्याह के मामलात में तहफ़ुज़ात किसे नहीं होते, सभी को होते हैं। रिजवान को हानिया से हैं और हमें रिजवान से। मैं कुछ समझा नहीं माँ जी। समझाती हूँ, जल्दी किस बात की? रिजवान के तहफ़ुज़ात तो मैं जानती हूँ, बल्कि सबको ही पता चल गया। अब मैं अपनी बात करती हूँ। रब नवाज, अंदर आओ। इसको यकीनन पहचानते होंगे आप दोनों। रिजवान, रहमत, आपकी हवेली में इसने काफी अरसे तक काम किया। जी जी माजी, मैं ऐसे जानता हूँ, ये मेरे पास काम करता था। लेकिन ये यहाँ क्या था? ये चोर है, चोरी की है इसने मेरी हवेली। बस रहमत, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। दुनिया देखी है मैंने, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं मेरे। और रही बात चोरी की, तो पूरा गांव इसकी शराफत और ईमानदारी की गवाही देता है। आज भी 3 साल से मेरे पास काम कर रहा है, कभी एक रुपए एक पैसे की बेईमानी नहीं। बेहतर यही होगा चौधरी रहमत, तो मान लो कि इसने चोरी नहीं की, इसलिए कि अगर बात आगे बढ़ती है तो तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे इस मासूम बेटे ने इस गरीब के घर पर नकब लगाए, उसकी इज्जत पे डाका डालने की कोशिश की, वो बस मां कह के मुझे वो हक ना दो कि मैं तुम्हें सजा दे सकूं। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरी पोती की दुनिया से दूर हो जाओ। मारी, आप अच्छा नहीं करें। एक कमी कमीन के कहने पर बस। मेरे सब्र के इम्तिहान मत लो। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। चले जाओ यहां से दोनों। तलाक के मामला जल्द अज जल्द तय हो जाने चाहिए। जाओ, चले जाओ तुम दोनों यहां से। और तुम इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप अभी और इसी वक्त खत्म करो। जाओ तुम रत्नवास। शुक्रिया। माँ जी,
थैंक यू सो वेरी मच, यू ऑल द बेस्ट. सॉरी.